नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका मेरे YouTube के एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्री परिषद के बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, और बात करेंगे कि हमारे किसान बंधुओं को आखिर छत्तीसगढ़ में इस साल धान का रेट कितना मिलेगा और 3100 रुपए प्रति कुंटल का भुगतान कब से होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube की ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया है, और वहीं 3 जनवरी 2024 को साल का पहला मंत्री परिषद का बैठक भी आयोजित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और वहीं इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें पीएससी घोटाला की सीबीआई जांच, और वहीं राशन कार्ड धारियों को निशुल्क 5 वर्ष तक खाद्यान्न वितरण का भी निर्णय शामिल है। और हमारे प्रदेश के किसान बंधुओं के लिए भी कई अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी किसानों को अब इंतजार है कि आखिर छत्तीसगढ़ के किसानों से किए गए वादे, जिसमें किसानों से धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति कुंटल के दर से एक मुश्त भुगतान सरकार कब से शुरू करेगी। तो मंत्री परिषद के हुए महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के किसान बंधुओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर ही प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 कुंटल धान की खरीदी लिंकिंग सहित करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 कुंटल धान खरीदी का वादा पूरा हो गया है, मगर अभी भी किसानों को धान का रेट 3100 रुपए प्रति कुंटल मिलेगा या नहीं, इस विषय पर मंत्री परिषद के बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 14 दिसंबर से नए सरकार का गठन हुआ है, और प्रदेश के किसानों को 3100 रुपए प्रति कुंटल किए वादे का अभी भी इंतजार है, जबकि धान की खरीदी 31 जनवरी तक ही प्रदेश में चलेगी, जो कि लगभग 15 से 20 दिन ही बाकी है। फिलहाल किसानों को धान बेचने पर समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति कुंटल के दर से भुगतान हो रहा है, जो कि मंत्री परिषद के बैठक में भी निर्णय लिया गया है कि किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल प्रति एकड़ समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति कुंटल के दर से खरीदी होगी, बाकी के 917 रुपए का भुगतान कब से शुरू होगा ये देखना है। तो किसान बंधुओं, आप सभी को क्या लगता है, 3100 रुपए के दर से भुगतान होगा या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी किसानों से किए वादे अनुसार सरकार जल्द 3100 रुपए प्रति कुंटल के दर से भुगतान शुरू करे, ऐसा आशा करते हुए इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, और अगर आप खेती किसानी से संबंधित ऐसे नए नए अपडेट जानकारियां लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।